हेलो गाइस, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं उत्तराखंड के जिले। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया था जिसमें मैंने आपको उत्तराखंड के जिलों की स्थापना पढ़ा दिया था, और वो भी डायग्राम के माध्यम से। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। और आज से हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के जिले विस्तार पूर्वक। आपको पता है कि उत्तराखंड में 13 जिले हैं। गढ़वाल में आते हैं आपके 7 जिले और कुमाऊं में आते हैं आपके 6 जिले, तो टोटल कितने हो गए? 13। और हम टोटल 13 जिलों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और आपको पता है कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के जिलों से पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले उत्तराखंड का एक जिला देहरादून, और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे देहरादून जिले के बारे में। लेकिन आपने क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देहरादून का नाम देहरादून कैसे पड़ा। अब सबसे पहले हमारा नामकरण, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि देहरादून का नामकरण कैसे हुआ। अब कुछ लोकमत है, पहला पॉइंट है इसमें, लोकमत के अनुसार जो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य आपको पता होगा, अगर आपने महाभारत तो सभी ने देखी है, तो उसमें क्या थे, पांडव और कौरव के गुरु थे हमारे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने इस क्षेत्र में स्थित क्या आपका द्वारा पर्वत पर क्या करा, तपस्या करी, क्या करा, तप किया। उसके बाद है द्रोणाचार्य से संबंधित होने के कारण इसे प्राचीन काल में क्या कहते थे, द्रोण नगर कहते थे। क्या कहते थे? द्रोण नगर। तो शॉर्ट पॉइंट ये हो गया कि द्रोणाचार्य के कारण जो उन्होंने द्रोण पर्वत पर तप किया, तो इस एरिया का नाम पड़ गया द्रोण नगर। और क्या है कि माना जाता है कि संभव बाद में इसी द्रोण का क्या हो गया, या द्रोण नगर का नाम क्या पड़ गया, दून पड़ गया। पहला लोकमत तो आपका ये है, ठीक है। और बाद में क्या हो गया, ये द्रोण या दून घाटी इसका नाम पड़ गया। पहला लोकमत आप समझ गए होंगे। दूसरा लोकमत यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा मत यह है कि 1676 या 1699 किसी किताब में दे रखा है 1676, और किसी में दे रखा है 1699, तो आपने दोनों नोट कर लेने हैं। दूसरा मत यह है कि 1676 या 1699 में गुरु राम राय, कौन, गुरु राम राय इस एरिया में आए या इस घाटी में आए, और यहां पर एक डेरा डाला, और बाद में उसका नाम बदल कर क्या हो गया, देहरादून पड़ गया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गुरु राम राय देहरादून कब आए, तो कब आए, 1676 या 1699, और उन्होंने एक डेरा डाला और उसी के नाम पर बाद में कालांतर उसका नाम चेंज होकर क्या पड़ गया, देहरादून। क्योंकि आपको पता है कि दून, दून का मतलब क्या होता है, घाटी, वैली का मतलब क्या होता है, घाटी, आपको ये सब पता होना चाहिए। इसके बाद है, अब एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में उत्तराखंड के पूछा जाता है प्राचीन नाम, तो देहरादून के आपसे प्राचीन नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो देहरादून के प्राचीन नाम क्या है, द्रोण, द्रोण नगरी, नालागाड़, पृथ्वीपुर और शिवपुरी, ये सब प्राचीन नाम है किसके, देहरादून के। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि वैदिक साहित्य के अनुसार आर्यों से पूर्व इस भूमि पर असुर जाति के लोग रहते थे, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब आपको मैं देहरादून के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड में एग्जाम में या तो हिस्ट्री पूछी जाती है या तो जिले से संबंधित पॉइंट, क्योंकि हम लोग मंदिर पढ़ते हैं और साथ में लेक्स पढ़ते हैं, हम इसी में कवर कर लेंगे कि अगर हमने जिले पढ़ लिए तो उसमें मंदिर भी आएंगे, लेक्स भी आएंगे, और साथ साथ पर्वत श्रेणी सब कुछ आ जाएगा। तो अब इसके बाद है, अब है देहरादून का क्षेत्रफल। तो देहरादून का क्षेत्रफल कितना है, 3088 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप उसमें भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है देहरादून की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या कितनी है, तो कितनी है, 1696,694। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि देहरादून के पड़ोसी जिले कौन से हैं, देश कौन से हैं या स्टेट, तो मैंने आपको एक थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रखी है, ये आपका देहरादून है। अगर आपसे पश्चिम में पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, यूपी, क्या बोलोगे, यूपी, और उत्तर में उत्तरकाशी और हिमाचल, इंपॉर्टेंट है याद करना है आपको। इसके बाद अगर पूर्व में पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, टिहरी, उत्तरकाशी और पौड़ी, ठीक हो गया, और साउथ में यानी दक्षिण में हरिद्वार। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे जिले बताइए उत्तराखंड के जो देहरादून से लगे हैं, तो क्या कौन कौन से हो गए आपके, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी और पौड़ी, इंपॉर्टेंट है याद कर सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देहरादून की स्थापना कब हुई, तो देहरादून की स्थापना कब हुई, 1817 में हुई। नेक्स्ट पॉइंट, देहरादून 1817 में जिला बनाकर मेरठ मंडल में शामिल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि
मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया, तो 1817 में। अब देखिए नेक्स्ट, राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है, ये मैंने डायग्राम के माध्यम से पढ़ा रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, देहरादून को 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया, पूछा गया क्वेश्चन है, तो देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल कब किया गया, तो 1975 में शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 9 दिसंबर 1988 को नगर निगम बना, आपसे पूछा जा सकता है कि देहरादून नगर निगम कब बना, तो कब बना, 9 दिसंबर 1988 को। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से, 1804 तक गढ़वाल नरेशों को अधीन रहा, तो देहरादून 1804 तक गढ़वाल नरेशों के अधीन रहा, और आपको पता कि 1804 से 1815 तक गोरखा के अधीन रहा, और 1815 से 1947 जब तक इंडिया आजाद नहीं हुआ ये अंग्रेजों के अधीन रहा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, साक्षरता में प्रथम, उत्तराखंड के सभी जिलों में अगर साक्षरता में प्रथम जिला कौन है, तो आपका देहरादून है। 84.25% लोग एजुकेटेड हैं कहाँ के, देहरादून के। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तराखंड का ऐसा जिला बताइए जिसमें महिला साक्षरता दर प्रथम है, तो कौन है, महिला साक्षरता में प्रथम जिला आपका कौन सा हो गया, देहरादून। इंपॉर्टेंट है ये भी, इंपॉर्टेंट लाइन है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तो देहरादून 55%। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी देहरादून। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देहरादून को भारत सरकार ने लीची जोन निर्यात में शामिल किया है, देहरादून को भारत ने क्या कर रखा है, लीची जोन निर्यात में शामिल कर रखा है। इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट है, सहनपाल के बोधगया शिलालेख में देहरादून का नाम सपाद लक्ष्य मिलता है, क्या मिलता है, सपाद लक्ष्य। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें देहरादून के प्रमुख स्थल, साथ साथ में तीर्थ और साथ साथ में टेंपल। इसमें हम प्रमुख तीर्थ स्थल पढ़ेंगे और मंदिर पढ़ेंगे और तीर्थ भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालसी के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, कालसी। आपको पता है कि कालसी के बारे में उत्तराखंड के साथ साथ वन डे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप पूरे इंडिया के एग्जाम दे रहे हैं तो। कालसी, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालसी किन नदियों के किनारे स्थित है, तो कालसी यमुना, अमलावा और टोंस नदी के किनारे स्थित है। आपको याद हो गया होगा, यमुना, अमलावा और टोंस नदी के किनारे स्थित है आपका कालसी। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से अशोक का उत्तरी सीमा पर स्थित शिलालेख प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, यहां से अशोक का उत्तरी सीमा पर स्थित शिलालेख प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछा जाएगा कि इस शिलालेख की लिपि क्या थी, तो आप क्या बोलोगे, लिपि ब्राह्मी थी और भाषा क्या थी, पाली। और इस शिलालेख को किसने पढ़ा, तो आपको नाम याद होना चाहिए, वो नाम है आपका जेम्स प्रिंसेप। कौन, जेम्स प्रिंसेप, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आपका कालसी का प्राचीन नाम क्या है, खतलिका, क्या है, खतलिका, कालकूट और युग सेल, ये कालसी का प्राचीन नाम है। और हैनस्वांग, आपको बताया कि हैनस्वांग ने कालसी को क्या कहा, सुधनगर कहा, क्या कहा, सुधनगर। और कालसी को स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं या बुलाते हैं, तो क्या हो गया, चित्रशिला। इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पॉइंट बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, कालसी को जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो कालसी को जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसके बाद इसमें आपका है देहरादून में मालसी डियर पार्क, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको कि मालसी डियर पार्क कहाँ स्थित है, तो आप क्या बोलोगे, देहरादून में स्थित है। तो मालसी डियर पार्क कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। अब इसमें नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, लाखा मंडल, तो हम लाखा मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो लाखा मंडल सबसे पहले तो पूछेगा कहाँ है, तो देहरादून में स्थित है। और अक्सर आजकल एग्जामिनर ये पूछ ले रहे थे कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो लाखा मंडल यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है। आपको पता है कि यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है इंडिया की, और ऐसी नदी है जो
क्या है, समुद्र में नहीं मिलती है, ठीक है, यहां से जाती तो है लेकिन समुद्र से पहले ये लुप्त हो जाती है। दूसरे आया इसमें सबसे लंबी सहायक नदी इंडिया की, तो यमुना नदी। अब लाखामंडल के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले महाभारत काल में लाक्षा ग्रह यही बनाया गया था। आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि लाक्षा ग्रह कहां बनाया था, तो लाखामंडल, और लाखामंडल कहां पड़ता है, देहरादून में। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, लाखामंडल मूर्तियों का भंडार है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लाखामंडल किसका भंडार है, तो मूर्तियों का भंडार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर कहाँ स्थित है, तो लाखामंडल, और लाखामंडल कहाँ है, देहरादून में। अब इसमें नेक्स्ट आपका आता है हनोल। आपको पता है कि हनोल मंदिर, आपको पता है मंदिरों का समूह। चौथा पॉइंट है आपका हनोल, तो हनोल किस नदी के किनारे स्थित है, तो हनोल टोंस नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट है, यहाँ महासु देवता, तो जौन सारियों के देवता है, यहाँ महासु मतलब शिव देवता, महासु देवताओं का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जौनसार बाबर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल पूछा गया क्वेश्चन है, तो जौनसार बाबर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा हो गया आपका, हनोल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और महासु बोले तो शिव देवता, शिवजी भगवान। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देहरादून में एवरेस्ट पार्क। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एवरेस्ट पार्क कहाँ स्थित है, तो आप क्या बोलोगे, देहरादून। इसके बाद आता है आपका चक्राता देहरादून में, नेक्स्ट पॉइंट। तो चक्राता को हम क्या कहते हैं, पहाड़ों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं, पहाड़ों का राजा। और आपको पता है कि चक्राता में एक छावनी आर्मी की, तो इसकी स्थापना एग्जाम में पूछ ली गई थी, तो कब, 1869 या 1866। अगर दोनों ऑप्शन है तो आप 1869 को टिक मारना। इसके बाद देहरादून में नेक्स्ट पॉइंट है टाइगर फॉल। पूछा जा सकता है कि टाइगर फॉल कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, देहरादून में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 50 मीटर की ऊंचाई है किसकी, टाइगर फॉल की। और टाइगर फॉल का अन्य नाम तो क्या है, केराव पछाड़। क्या है आपका, केराव पछाड़, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देहरादून के उसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है आपका मौसी फॉल कहाँ स्थित है, तो मौसी फॉल कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। और इसका अन्य नाम तो क्या है, हियरसे फॉल, इंपॉर्टेंट है, याद। इसके बाद है चार सिद्ध। देहरादून में हमारे चार सिद्ध स्थित हैं, एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से चार सिद्ध हमारे कहाँ स्थित हैं, देहरादून में स्थित हैं। बस इनके नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले आपका लक्ष्मण सिद्ध, दूसरा है आपका कालू सिद्ध, तीसरा आपका क्या, आपका माणक सिद्ध, और चौथा आपका मांडू सिद्ध। ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और इनमें से एक ऑप्शन हटा दिया जाएगा या एक ऑप्शन दिया जाएगा, और आपसे बोलेगा कि देहरादून में जो चार सिद्ध हैं उनमें से नाम बताइए। तो आपने चारों याद होने चाहिए, लक्ष्मण, कालू, माणक और मांडू, इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण क्या है, यह मंदिर देहरादून में स्थित है, पूरब की तरफ स्थित है। दूसरा कालू सिद्ध में पुत्र हेतु मन्नत मांगते हैं, इंपॉर्टेंट है। माणक में क्या है, देहरादून से पश्चिम की तरफ, और देहरादून के पश्चिम में प्रेम नगर। बस इतना आपने इंपॉर्टेंट जो बताया था मैंने वो याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देहरादून में जौनसार बाबर। आपसे पूछा जाएगा कि जौनसार बाबर किन नदियों के बीच स्थित है, तो यमुना और टोंस नदियों के, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ देहरादून के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देहरादून से संबंधित हैं और आज तक के बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बालिनी देवी का मंदिर चक्राता में स्थित है, तो चक्राता कहाँ है, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है आपको, आपका देहरादून को 1900 में रेलवे से जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देहरादून को रेलवे से कब जोड़ा गया, तो 1900 में जोड़ा गया। इसके बाद नेक्स्ट है, देहरादून में 30 जून 2006 को RBI की एक ब्रांच खुली, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपने याद करनी है। कब खुली, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि देहरादून में RBI की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच कब ओपन हुई, तो आप क्या बोलोगे, 30 जून 2006, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून के रायपुर में स्थित है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ स्थित है, देहरादून के रायपुर में, और कब से स्थित है, तो 1943 से, पूछा गया क्वेश्चन है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देहरादून से संबंधित है, सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां देहरादून में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है, आप क्या बोलोगे, देहरादून। नेक्स्ट है, डोई वाला चीनी मिल 1930 में स्थापित हुई। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो देहरादून का डोई वाला है और वहाँ की जो चीनी मिल है कब स्थापित हुई, तो 1930 में स्थापित हुई।
मैं बस यही चाह रहा हूँ कि देहरादून से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी वीडियो में शामिल कर लूँ। अगर ये वीडियो लंबा होगा तो मैं इसके दो पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि अभी हमारा मसूरी और ऋषिकेश हमने नहीं पढ़ रखा है। हो सकता है कि ये वीडियो अगर लंबा हो तो मैं इसके दो पार्ट बनाऊंगा, तो आपने दोनों पार्ट देख लेने हैं। इसके बाद है आपका रेशम सहकारी संघ प्रेम नगर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेशम सहकारी संघ कहाँ स्थित है, तो आप क्या बोलोगे, देहरादून के प्रेम नगर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है भारतीय खान ब्यूरो कहाँ स्थित है, तो भारतीय खान ब्यूरो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान हाथी बड़ कला देहरादून में स्थित है। हो सकता है एग्जाम में अगर हाथी बड़ कला भी दे सकता है या देहरादून भी दे सकता है, तो मैंने दोनों पॉइंट लिख दिए। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड के साथ साथ ऑल इंडिया के वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। अगेन इंपॉर्टेंट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग हमारा देहरादून में स्थित है। और अगर इसकी स्थापना पूछेगी तो 1767 में रेनेल द्वारा कलकत्ता में हुई थी, और बाद में इसको देहरादून इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया था। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन मिलिट्री अकादमी यानी IMA, आपसे पूछा जाता है कि IMA कहाँ स्थित है या इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है, देहरादून में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आपसे पूछी जाए तो स्थापना कब बोलोगे, 10 अक्टूबर 1932, और औपचारिक उद्घाटन कब हुआ इसका, 10 दिसंबर 1932। आपने बस इतना याद रखना है IMA यानी इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दून स्कूल, आपको पता है कि दून स्कूल जिसकी स्थापना किसने करी थी, CR दास, किसने करी थी, CR दास, और स्थापना कब हुई थी पूछेगा तो 1935 में, और एशिया का पहला रजिस्टर्ड स्कूल तो दून स्कूल। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एशिया का पहला, उत्तराखंड का पहला, इंडिया का पहला रजिस्टर्ड स्कूल, तो दून स्कूल, स्थापना 1935, और किसने किया, तो CR दास जी ने। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया देहरादून का नामकरण कैसे हुआ, और साथ साथ देहरादून से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो उत्तराखंड के एग्जाम में आज तक पूछे हुए थे और भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये था हमारा देहरादून का पार्ट फर्स्ट, और सेकंड पार्ट इसका बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे मसूरी को विस्तार पूर्वक, और ऋषिकेश को भी हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, और साथ साथ देहरादून से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो इस वीडियो में छूट गए हैं वो देहरादून के पार्ट सेकंड में अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो आपने क्या करना है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है और कमेंट करना है। आप अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।